फौजी सीरियल आया, वो पॉपुलर हो गया, पीपल लाइक मी इन दैट। तो उसके बाद फिल्म ऑफर्स आई, मगर मैं फिल्मों में इंटरेस्टेड था ही नहीं बिल्कुल, तो मैंने करना ही नहीं चाहा उसको। तब मैं अपना एमए भी कर रहा था मास कम्युनिकेशंस के अंदर, तो फिल्मों में इंटरेस्टेड बिल्कुल नहीं था। उसके बाद एक और सीरियल, वो दिल दरिया किया मैंने, फिर बॉम्बे से एक ऑफर आया सीरियल का उम्मीद, वो किया और सर्कस के। एंड आफ्टर दैट पीपल स्टार्ट कॉलिंग मी अप इन दिल्ली, और बोला उन्होंने कि हम फिल्म बना रहे हैं, हिमा जी ने बोला, सिपी साहब ने फ़ोन किया। और मुझे एक सेट आइडिया था कि मैं जो फिल्में भी करूँगा वो अपने टर्म्स पे करूँगा, अपनी खुशी से करूँगा, साफ सुथरी, अच्छी, जो मुझे इंटरेस्ट करेंगे। छोटा बैनर है, बड़ा बैनर है, अच्छा डायरेक्टर है, गंदा डायरेक्टर है, मुझे पसंद आया, मेरा रोल अच्छा है। एंड बेसिकली आई वेंट फॉर रोल्स मोर देन यू नो कि फिल्में ही करनी है, कोई भी मुझे लॉन्च कर दे, नहीं ऐसा नहीं था। मैंने कहा रोल अच्छा होना चाहिए, और इन अ वे मैंने वैरायटी चूज़ की अपने 4-5 फिल्मों में जो आने वाली हैं, 2-3 बाकी, तो वो वैरायटी की वजह से। एंड देन ऑब्वियसली अ फिल्म लाइक दीवाना केम फर्स्ट, विच हैड अ विच वाज एक्चुअली द फिल्म आई साइन लास्ट, इट हैड अ फैंटास्टिक म्यूजिक स्कोर। एवरीबडी हैज़ देयर ओन स्टाइल ऑफ एक्टिंग एंड एवरीबडी इज़ एक्सेप्टेड, नॉट बिकॉज कि वो दूसरे का कॉपी कर रहा है या उसको हटा दिया, भाई आमिर से अच्छा ये है या सलमान से अच्छा ये है या अजय देवगन इससे बढ़िया है, ऐसा नहीं होता। भाई इसमें भी कुछ बात है, इसको भी रहने दो, इसमें भी कुछ बात है, इसको रहने दो, और सब अपने अपने लेवल पर काम करते हैं। माई फेस इज़ नॉट अ रेगुलर स्वीट बॉय फेस और एन एक्शन हीरोज़ फेस, इट इज़ अ मिक्सचर। सो आई कैन गेट अवे विद अ रोल लाइक जैसे दीवाना में था, आई कैन गेट अवे विद अ लिटिल कॉमिक लाइक इन चमत्कार। अभी फिल्म मैगजीन में क्या होता है, मैं यही लाइन जब बोलता हूँ तो वो पहली पार्ट को काट देते हैं और लिख देते हैं यस आई एम एरोगेंट, तो मे बी दैट्स वाई। दूसरी बात ये है कि मैं जब फिल्म साइन करता हूँ तो मैं बहुत परेशान करता हूँ लोगों को। अब आप उसको परेशानी कहिए या डिटेलिंग कहिए, कि आप मेरे पास कहानी लेकर आए तो बोलते हैं ये स्टोरी लाइन है तो अब आप कर दीजिए। मैं कहता हूँ नहीं, पहले आप पूरी कहानी लिख के लाइए विद डायलॉग, स्क्रिप्ट दीजिए, क्योंकि मैं स्टेज का आर्टिस्ट हूँ, मुझे स्क्रिप्ट, मुझको इतना भरोसा है, आप मुझे कैरेक्टर दीजिए, मैं प्ले करूँगा। अब ये मत कीजिए कि शाहरुख खान के लिए कहानी लिख रहे हैं, नहीं नहीं, अब तो हम दिमाग में शाहरुख के साथ कहानी लिख कर लाए हैं, अब आपने ना कह दिया। अभी क्या है कि अब मैं हिट हो गया हूँ तो लोग बोलेंगे कि अरे यार डिटेल से करता ना, इसलिए यार बात है उस लड़के में, लंबी रेस का घोड़ा, ऐसा बोलते। पहले जब मैं करता था तो बोलते थे अरे समझता क्या यार, साला स्क्रिप्ट मांगता हमसे यार, है ऐसा होता था। तो वो तो डिपेंड्स कि कौन सी पोजीशन में आदमी, जब तक चल रहा है तो हर चीज़ चलेगी। सीम्स लाइक अ ग्रोथ फ्रॉम दीवाना टू राजू बन गया जेंटलमैन इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस, बाकी फिल्म कितनी चली वो अलग बात है। चमत्कार में आई लाइक माई सेल्फ बिकॉज इट वॉज वेरी फ्री एंड इट वॉज वेरी इन्जॉयबल, मैं बहुत इन्जॉय कर रहा था, वो दिखता है स्क्रीन के ऊपर। मेरा डायलॉग ब्रेक डाउन बहुत अजीब सा है क्योंकि मैं इंग्लिश में सोचता हूँ, तो जो भी डायलॉग होता है कि निकल जाओ यहाँ से और अंदर मत आना, अगर वो ऐसा होता है तो मैं इंग्लिश में पहले वो डायलॉग सोचता हूँ, गेट आउट ऑफ हियर एंड डोंट एवर कम बैक। सो मेरा वो हिंदी में भी वैसे ही आता है, नॉर्मली डायलॉग ऐसा नहीं होगा, निकल जाओ यहाँ से और कभी भी बाहर मत आना, ऐसा होता है नॉर्मली हिंदी फिल्म में, लेकिन क्योंकि मैं अंग्रेजी में सोचता हूँ तो मेरा यही डायलॉग ऐसा होता है, निकल जाओ यहाँ से और वापस मत आना, तो ऐसा उल्टा हो जाता है बिकॉज आई एम थिंकिंग इंग्लिश, बिकॉज मैं इंग्लिश थिएटर करता था।